मैम। गुड मॉर्निंग, व्हाट्स योर नेम? अमृता कुमारी। अमृता कुमारी, ऑलराइट। कहाँ से हैं आप? बिहार राज्य के वैशाली जिला से हूँ। वैशाली, आपने बताया आप वैशाली से हैं, तो यस। वैशाली का एक अन्य और फेमस बहुत बड़ा रेलेवेंस है, क्या आप जानते हैं वैशाली के बारे में? यस मैम। बताइए जरा। विश्व का प्रथम गणतंत्र वैशाली यही होगी थी, प्रजातंत्र की लाली। लिच्छवी गणराज्य के लिए प्रसिद्ध है वैशाली। अभी लिच्छवी गणराज्य के लिए, क्या है ये लिच्छवी गणराज्य? याद तो याद नहीं आ रहा है मैम। नहीं आ रहा है। देखिए, इंटरव्यू को खुद ट्विस्ट करते हैं, राइट? खुद बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। जिस चीज के बारे में हमको एडिकेट नॉलेज ना हो या पता ना हो, हमें उन शब्दों का चयन थोड़ा सा नहीं करना है। जैसे आपने लिच्छवी गणराज्य, तो डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन पुट हो रहा है कि लिच्छवी गणराज्य क्या है, राइट? तो इस तरह की चीजों से आपको थोड़ा सा बचना है। ओके, आपने एलएलएम किया हुआ है? नो मैम, 2014 नहीं किया। एलएलबी कब किया आपने? 2014। में। ओके, आपका एनी कोई ऐसा पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो आपको बहुत पसंद हो, फेवरेट हो? एवरेज सब आप बड़े ही हंसमुख है। फिर भी कोई एक तो होगा जो आपका पसंदीदा होगा, जो आपने पर्टिकुलर आज के डे के लिए तैयार किया होगा। एविडेंस मैम। एविडेंस, वेरी नाइस। चलिए, तो आपके हम जो क्वेश्चन होंगे टेक्निकल, वो एविडेंस से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे हम थोड़े से क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। आपने 2014 में जब एलएलबी किया, तो आपने एलएलएम की ओर कदम क्यों नहीं बढ़ाए? आपको नहीं लगता कि जिस फील्ड में आपने एजुकेशन लिया, उसकी मास्टर्स को करना चाहिए और हायर स्टडी करनी चाहिए? एक फायदा एलएलबी करके आप रुक गए, और अभी तो समय है, 2014 से लेकर 2021-22 काफी साल हो गए। नहीं यस सोचा क्या मैम, हुआ? सोचा नहीं या सपोर्ट नहीं मिला, क्या हुआ था? सपोर्ट नहीं मिला सपोर्ट नहीं आपसे। मिला। अक्सर लोग, इच्छा थी करने की, जी इच्छा थी लेकिन सपोर्ट नहीं। सपोर्ट नहीं मिला। अच्छा यस मैम, इकोनॉमिकल कंडीशन की वजह से। अच्छा फाइनेंस की वजह से। ओके, तो हम उस तरफ नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं। जुडिशरी में आपको इंटरेस्ट है, जुडिशरी में जाना है, और जुडिशरी के लिए बेसिक क्वालिफिकेशन एलएलबी, और वो आपके पास, ठीक है? चलिए, तो हम एविडेंस से स्टार्ट करते हैं। एविडेंस जो एक शब्द है, क्या वह कहीं और भी डिफाइंड है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, याद नहीं आ रहा। आप काफी नर्वस हो रही है शायद। यस इतना नर्वस क्यों होना, आप मेंस दिए हुए हैं। अच्छा, इससे पहले भी आप मेंस दिए हैं कहीं? नहीं, पहली ये फर्स्ट टाइम है आपका। आप बता सकती है क्या क्या आवश्यक तत्व होने चाहिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में? बताइए। बार दी। जी मैम, स्वतंत्र पक्ष होनी चाहिए, फ्री जी कंसेंट होना चाहिए। याद ही नहीं आ रहा है। अमृता जी, ऐसा कैसे काम चलेगा? आपने बिल्कुल तैयारी नहीं की है, इतना छोटा सा आपने कहा, बिल्कुल पढ़े हैं सेक्शन 10, वेरी कॉन्फिडेंटली यू हैव आंसर्ड, बट क्या हुआ अंदर? चलिए, आप प्रैक्टिस करती? अभी तो अच्छा से नहीं चल रहा, इसलिए नहीं जाती। कभी अच्छा, एक्टिव एडवोकेट है या कभी कभी जाती है? कभी। अच्छा, आपका बिहार का एक बहुत ही प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हुआ करता था जो कि बिहार में था, आप उसके बारे में कुछ जानते हैं, कुछ बताना चाहेंगे? गुड, नालंदा विश्वविद्यालय में क्या खास बात थी उसकी? देश विदेश से बहुत सारे लोग आते थे पढ़ने में। कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना की थी। कुशीनगर और एक सासाराम, इन दोनों नहीं, शहरों के बारे में आप कुछ बताएं। कुशीनगर और सासाराम, सासाराम में मैम शेर शाह का मकबरा है, इसके लिए प्रसिद्ध है। ओके, नेक्स्ट। और कुशीनगर जो है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, मृत्यु स्थल है वहां पर। आपने शब्द यूज किया महापरिनिर्वाण, राइट? तो महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित चार बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं थी, आपको याद है उनके बारे में या कुछ जानकारी है? अभी याद नहीं। बताइए। और क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे, बिहार का शोक किसे कहा जाता याद है? नहीं आ नहीं, रहा। आप सच में बिहार के ही रहने वाले हैं क्या? यस मैम, कोसी नदी, कोसी नदी, मतलब से याद लग रहा था गलत हो जाएगी। कॉन्फिडेंट यस नहीं था ये आंसर सही है या नहीं। ओके, और चलिए कोई बात रिजल्ट खराब थी ना, एक 5 दिन से पढ़ नहीं रहे हैं सही ढंग से। सही।
अब जजेस के सामने ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि सही ढंग से नहीं पढ़ रही है ना। अब वहां पर पहुंचे हो, कितने मुश्किल से प्री मेंस निकल के वहां तक पहुंचते हैं, और एकदम रिलैक्स रहिए, शांत रहिए, अच्छा थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, बिल्कुल घबराना नहीं है, बहुत शांति से आपको उत्तर दे, ठीक है। यस मैम, चलिए थैंक यू, नेक्स्ट कैंडिडेट को हम ले लेते हैं। ओके,